अच्छा न्यूज़ से आज नगर पालिका के स्वास्थ्य चेयरमैन समिति दिनेश शर्मा जी से हम रूबरू होंगे और उनसे चर्चा करेंगे। ये नगर का पहला परिषद का सम्मेलन हुआ जो कि नवदुर्गा के द्वितीय दिवस पे ऐसी असंवेदनशील और अमर्यादा जो आज यहाँ देखने को मिली, ऐसा होना चाहिए आपके आपके विचार बदल सकते? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही परिषद में सदस्य रहा 2004 से 2009 तक। विकास के मुद्दे आते थे, देखिए जीतने हारने के बाद शहर में एक मुद्दा रह जाता है, पार्षद को अपने वार्ड में काम कराना। उसकी महती आवश्यकता होती है कि जो उसने वादे किए अपने वार्ड के लोगों से उसे पूरा करें। आज वार्ड की जो सभा में मुद्दा आया वो 3-3 लाख के काम डामरीकरण के और सीजी के बिल्कुल समान रूप से सारे वार्डों में कराए जाने का एक प्रस्ताव आया था, उसको लेकर भी कई लोगों ने अपना अवरोध उसमें पैदा किया, उसमें अपना विरोध प्रकट किया, जबकि विकास कार्यों में विरोध नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह था कि हर वार्ड में प्रत्यक्ष से 10-10 लाख के टेंडर लगाए जाएं। हम लोग भी चाहते हैं कि बिल्कुल लगें, 10 नहीं 20 लाख के लगें, लेकिन जो काम आया है उसको कैसे रोकें। आज हम लोगों को जीत के आज 2 से 3 महीना होने जा रहा है जी। आज हम लोग अपने वार्डों में जब जा रहे हैं तो वार्ड के लोग पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे उन्हें कब पूरा करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग वार्डों में काम की शुरुआत करा सकेंगे। लोगों की अपेक्षाओं में ऐसा लगेगा उन्हें कि उन्होंने जो निर्णय लिया था हमें जिताने के तौर पर, तो निर्णय उनका सही साबित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया नगर परिषद को, यहाँ नगर परिषद का समय होने से जनता भी नाराज है, क्योंकि जनता ने जनप्रतिनिधियों को जिस स्वास्थ्य और सफाई के लिए चुना गया था वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो इसमें और विलंब होगा और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ दिनेश भैया ने बहुत सुंदर बात की है कि हमको सब लोगों को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, बात वो राजनीतिक वाली बात नहीं, ये नगर हमारा है और आप सबका है। तो इस भावना को देखते हुए, जैसा कि दिनेश भैया पूर्व पार्षद भी रहे तो उनका खुद का अनुभव भी रहा है और उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान भी कराया कि कभी ऐसा देखने को नहीं आया, लेकिन ये ऐसा लगा तो गुना नगर के लिए ये एक बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा। तो आप और इस बारे में, जैसे कि आज इन्होंने बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार का क्या राजनीतिक प्रभाव देखा गया, कोई चीज़ दबाव में कही गई क्या? जब सर्वसम्मति से जब पूरे पार्षद सहमत थे तो वो चीज़ आराम से पारित हो जाती है और वो एक प्रोसेसिंग भी बताती है, लेकिन ये इनकी असहमति का कारण क्या है, ये आपको क्या हद तक समझ आया, आप बताएं? जी, जैसा कि आपने असहमति का और विरोध का प्रश्न किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जितेंद्र जी, कुछ लोग अपनी मात्र प्रस्तुतिकरण करने के लिए जी ऐसा करते हैं, जबकि जितने पार्षद बैठे थे मैंने देखा जो बाहर गए उसको उनको भी दबाव में ले जाया गया। हाँ, जैसा कि हाँ, पार्षद इसमें सहमत थे, अभी 19 से लेकर 20 पार्षदों ने इसमें सहमति जाहिर की है और एक पार्षद हमारे आज सभा में नहीं है। 36 पार्षदों में से 20 ने सहमति की है, तो आप ये मानिए कि सारे के सारे पार्षदों का एक ही मुद्दा है विकास। और जो बाहर भी गए हैं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वो लोग भी विकास चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों में उन्हें ले जाया गया है राजनीतिक दबाव। ठीक है, तो जैसा कि भैया ने बताया राजनीतिक दबाव। और यहाँ एक बात और देखने आई, वार्ड नंबर 33 की सुनीता बसंत गुप्ता जी भी नजारत पाई गई, आज वो नहीं आई, क्या उसमें सूचना नहीं थी या किस कारण नहीं आ पाई, कुछ पर्सनल कारण रहे? तो एक मेंबर से भी बहुत अंतर पड़ता है, जैसा कि अपन ने उस टाइम भी देखा है कि ये चीज़ें वो आती हैं, एक एक मेंबर की उपस्थिति आज जरूरी थी। जैसा कि मेरे को विदित है कि वो आज शहर से बाहर हैं किसी कार्यक्रम को लेकर, इसलिए वो नहीं आ सकी। उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि इस सभा के पहले वो आ जाएं, लेकिन कहीं संभव नहीं हो पाएगा वह, क्योंकि अब वाहन है, आना जाना थोड़ा तकलीफ वाला भी रहता है कई बार, हो सकता है इसलिए नहीं आ पाए हों, लेकिन उनका आने का पूरा प्रयास था। जैसा कि भैया दिनेश भैया ने बहुत अच्छा बात बताई है, और यहाँ देखिए बात वही है, हमारा नगर है और हम नगर के लिए जो भी अच्छा करेंगे, दिनेश भैया उसी भावना को लेते हुए उन्होंने अलग ही बीच बीच में कन्वेंस भी किया, अपना नगर है और आप सब एक ही हैं और हमको शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान दे के सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी सत्र का लंबा काफ़ी समय है और जनता की इनसे बहुत आशाएँ हैं और अपेक्षाएँ हैं, और ये जिन प्रतिनिधि चुने गए हैं तो किसी विश्वास पर खड़े उतरने के लिए चले गए, और जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी आपका। धन्यवाद, मैं अक्षत न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि शहर की हर गतिविधि को बहुत आगे आकर उठाते हैं। इसके लिए अभी गौशाला का मुद्दा भी आपने उठाया, उसके लिए भी आपका साधुवाद, और ऐसे ही मुद्दे उठाते रहें जिससे जनता के बीच शहर के
जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो पहुंच सके। और नवरात्रि पे आप अपने जो वार्ड पार्षद और शहर की जनता के लिए भी क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं, आप थोड़े पॉजिटिव स्वभाव के और आपने पॉजिटिव बातें भी करी, लेकिन हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग से समझ नहीं पाए, पहली पार्षद थी इस चक्कर में, तो आप जनता शहर के लिए नवदुर्गा पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? जितेंद्र जी बता दूँ आपको, मैं माता रानी का परम भक्त हूँ और शायद बाल अवस्था 11-12 साल का जब मैं हुआ था और जब होश था कि झांकी लगाना चाहिए, तो जब से मैं झांकी लगाता आ रहा हूँ, माता की सेवा करता हूँ। इस बार भी बेजू चौराहे पर माता की झांकी सजी है और शहर में प्रत्येक जगह माता की झांकियाँ सजी हुई हैं। सभी भक्तजनों को मैं सबसे पहले बधाइयाँ देता हूँ इस नवरात्रि महोत्सव की, और सभी लोग बढ़िया पूजा पाठ करें, माता रानी को प्रसन्न रखें, जिससे हमारा शहर सुख सुविधाओं से, स्वास्थ्य सुविधाओं से संपन्न रहे और हमारी नगर पालिका परिषद 5 साल इसी तरह शहर की सेवा करती रहे। धन्यवाद। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।